नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोट्रेट मोड इन ओप्पो न्यू 7। दोस्तों, आज की डेट में अगर सेल्फी में प्रोट्रेट ना हो तो सेल्फी का अच्छा खासा मज़ा नहीं रह जाता है, इसलिए हमें आज की डेट में सेल्फी में प्रोट्रेट की आदत पड़ चुकी है। हालांकि हम कोई और अदर पिक्चर से अगर लेना चाहते हैं तो बैकग्राउंड अगर प्रोट्रेट ना हो तो काफ़ी अच्छा मज़ा नहीं आता है, क्योंकि बैकग्राउंड से ब्लर होने से फोटो उभर के आ जाती है। लेकिन दोस्तों, ओप्पो इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छी तरक्की कर रहा है, लेकिन उसके कुछ पुराने फ़ोन्स है वेरिएंट जो आज की डेट में मार्केट में नहीं मिलेंगे, लेकिन यूजर्स के पास अब भी है जिनमें प्रोट्रेट मोड नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमें ओप्पो ने कुछ ऐसे फीचर्स दे रखे हैं जिससे हम फोटो को प्रोट्रेट कर सकते हैं। हालांकि कैमरे में फ़ीचर्स नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ऐप के अंदर फ़ोटोज़ को प्रोट्रेट डालने पर आसानी रहेगी, अच्छा खासा प्रोट्रेट कर सकते हैं हम इसको। हालांकि उतना ज़्यादा अच्छा लुक नहीं आएगा जितने हम सिंपल कैमरे से करते हैं, लेकिन फ़ोटो को हम प्रोट्रेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं कार्टून जो हम टॉकिंग टॉम है इसको मैं प्रोट्रेट करके दिखाऊंगा आपको, जिसका बैकग्राउंड पूरा प्रोट्रेट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें ये एडिट के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे ये ब्लर्ड बैकग्राउंड और यहाँ पे काफ़ी मोज़ेक और शार्पनेस के ऑप्शन दिखेंगे। तो दोस्तों, मोज़ेक में क्या होगा कि आप जैसे कि टच करोगे तो हम इसको इस तरीके से बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, जो कि आप जिसे चाहे उतने हिस्से को ब्लर कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पूरा हिस्सा ब्लर हो गया है। मैं जिस जिस हिस्से पे कर रहा हूँ वो हिस्सा ब्लर होता जा रहा है और जिस पे नहीं कर रहा हूँ वो साफ दिख रहा है। उससे दोस्तों देख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इससे भी एक अच्छा ऑप्शन मैं आपको दिखाऊँगा, ये ब्लर बैकग्राउंड। दोस्तों, इसमें ये देख सकते हैं आपके एक सर्कल आ चुका है, जिस पे अगर आपको इसके हिसाब से आप जिस हिस्से को ब्लर नहीं करना चाहते उस पे ये सर्कल को ले जाइए। जैसे कि मैं टॉम के फेस को ब्लर नहीं करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पूरा हिस्सा, पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो गया है। इसके अलावा ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पूरा हिस्सा ब्लर हो गया है, पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो गया, सिर्फ इसका फेस क्लियर ये दिख रहा है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि आप इससे की पिक्चर कितनी उभर के आ रही है, ये ब्लर बैकग्राउंड है। और दूसरे दोस्तों ऑप्शन है कि ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आप जैसे भी करते हैं, चाहे आप चाह सकते हो पूरी बॉडी कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हो कि पूरा वर्टिकल, पूरा ये एक कॉलम बन चुका है, जिसके कारण दोस्तों पूरा इसकी पूरी बॉडी आ रही है थोड़ी। हालांकि दोस्तों, सीधा आई में ऊपर से भी यहाँ पे ये हिस्से में भी देख सकते हैं आपकी ब्लर नहीं हुआ, लेकिन पूरी इसकी बॉडी आ रही है, पूरा अगल बगल का ब्लर हो गया है। मैं दोस्तों इस वक्त सर्कल का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल का ये वर्टिकल कॉलम वाला यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने इसके फेस को छोड़कर पूरा हिस्सा ब्लर कर दिया है। मैं राइट पे करके यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने इसको सेव कर दिया। तो दोस्तों, अभी ये सेव हो चुका है, हम इसको देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसका चेहरा छोड़ करके पूरा हिस्सा पीछे का ब्लर हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको सिंपल तरीके से फ़ोटो को प्रोट्रेट कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको इस पे ब्लर करने के लिए प्ले स्टोर पर भी काफ़ी सारे ऐप मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आसान और सिंपल तरीका यही है कि आपको जो फ़ोन में मिलना है और आप इसे अपने फ़ोटो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।